चलो वेलकम बैक वंस अगेन। सो इन दिस पार्टिकुलर सेशन वी विल डिस्कस ऑन रामाचंद्रन प्लॉट बेस्ड सीएसआर आंसर क्वेश्चन। सो फॉर दिस आई जस्ट वांट टू आस्क ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग अमीनो एसिड हैज लिस्ट वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन इट्स साइड चेन। अब आप बताओ इसको देख करके कि आपको क्या आंसर कुछ समझ में आता है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें कह रहा है वन एसिमेट्रिक कार्बन खोजना है। एसिमेट्रिक कार्बन कहने का मतलब क्या है कि आपका जो अल्फा कार्बन है उसके चारों तरफ जो रेसिड्यूज होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, तो सारे डिफरेंट होंगे, तो इसमें सबसे पहले दो अमीनो एसिड तो ऐसे गया, एक आपका ट्रिप्टोफान और दूसरा हिस्टिडीन। क्यों? क्योंकि भाई इसके पास नॉर्मल स्ट्रक्चर है ही नहीं। ये दोनों के पास, एक में हिस्टिडीन आप देख सकते हैं, ये दोनों क्या हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को क्रिएट करके रखते हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर पे बात नहीं कर रहे हैं, हमें जल्दी जल्दी आंसर क्वेश्चन सोल्व करना है। तो अब एक है वैलिन और दूसरा है आइसोल्यूसिन। तो वैलिन और आइसोल्यूसिन में आपको समझ में आएगा, वैलिन क्या होता है कि जनरल फॉर्मेट ऑफ अमीनो एसिड और इसके एक कार्बन पर दो सेम मिथाइल ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वैलिन क्या हो गया, गलत हो गया, तो बचा आइसोल्यूसिन। द करेक्ट आंसर इज टू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको ध्यान से पढ़ेगा, सी एस आई आर के क्वेश्चन है तो इसको आप ध्यान से पढ़ेगा, 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन प्रोटीन कन्फर्मेशन इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। ठीक है, इनकरेक्ट क्वेश्चन हमें पकड़ना है। एल अमीनो एसिड कैन अकर इन टाइप वन बीटा टर्न वेयर अल्फा फाइव एंड साई वैल्यू बोथ आर पॉजिटिव। यस, इट कैन बी पॉसिबल। ठीक है, कि पॉजिटिव वैल्यू बीटा टर्न में आपको मिलेगा, इसलिए आप बीटा टर्न को पढ़ो। बीटा टर्न कैसा है, ये लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स के जैसा है, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, बीटा टर्न का जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह है, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स से मिलता जुलता है, इसलिए इसका वैल्यू जो वैल्यू है वो दोनों पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, ए पेप्टाइड रिच इन प्रोलीन इज अनलाइकली टू अडॉप्ट अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर। भाई ऑब्वियसली प्रोलीन होगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन ये भी आपका क्या है, सही है ना, क्योंकि पेप्टाइड रिच अगर प्रोलीन होगा तो अल्फा हेलिक्स को प्रॉब्लम होगी, है ना। प्रोलीन को क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट मना करता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रोलीन रेसिड्यू हैव हाई प्रोपेंसिटी टू अकर इन बीटा टर्न। ठीक है, तो भैया और देख लेते हैं। द डाईहाइड्रल एंगल साई एंड फाई ऑफ अमीनो एसिड इन अनफोल्डेड प्रोटीन आर एक्सक्लूसिवली पॉजिटिव। सो ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पता चला कि ये जो क्वेश्चन जो आपका जो आंसर है फोर्थ नंबर, ये गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत है। चलिए ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है इन 30 रेसिड्यू पेप्टाइड ए डाईहाइड्रल एंगल साई एंड फाई हैव बीन डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। When their values were examined in Ramachandran plot, it is not possible for psi and phi value to be distributed in helical and beta sheet. अब जरा सोचो भाई, रामाचंद्रन प्लॉट तो है ही है इसी के लिए, है ना। नॉट पॉसिबल तो भैया पहले ही पॉइंट गलत है। इट इज़ नॉट पॉसिबल psi and phi value for to be distributed in helical as well as beta sheet region. भैया इसी के लिए तो रामाचंद्रन प्लॉट हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, पॉसिबल दैट साई एंड फाई वैल्यू आर इन द हेलिकल रीजन ऑल दो सर्कुलर डायोक्रिज्म। सर्कुलर डायोक्रिज्म हम आपको बताएंगे, ठीक है, इस लास्ट में हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बट हाँ, सर्कुलर डायोक्रिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है फॉर प्रेडिक्शन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, है ना। तो अब बता रहा है इट इज पॉसिबल दैट साई एंड फाई वैल्यू आर इन द हेलिकल रीजन ऑल दो सर्कुलर डायोक्रिज्म स्पेक्ट्रा स्टडी इंडिकेट द बीटा सीट कन्फर्मेशन। नहीं भैया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीटा सीट ही हम देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, अल्फा हेलाइसिस को भी देख सकते हैं, टर्न को भी देख सकते हैं, क्वाइल को भी देख सकते हैं। सर्कुलर डायोक्रिज्म में हम बहुत कुछ देख सकते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप थोड़ा वेट कीजिए। ठीक है, द पॉसिबल टू कंक्लूड दैट द पेप्टाइड इज कम्पोज ऑफ इंटायरली डी अमीनो एसिड। हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई,
मैंने आपको बताया था ना कि एल अमीनो एसिड हो चाहे डी अमीनो एसिड हो, दोनों के लिए रामाचंद्रन प्लॉट है। तो भैया ये तीसरा ऑप्शन क्या है आपका, सही हो सकता है, वैसे चौथा पढ़ लें। नॉट पॉसिबल टू कंक्लूड द पेप्टाइड इज इंटायरली हेलिकल और इंटायरली बीटा शीट कंफर्मेशन। तो ऐसा भैया कुछ नहीं है, सब पॉसिबल है, ठीक है। ये भी पॉइंट जो है आपका क्या है, गलत है, फोर्थ नंबर। तो आंसर क्या हो गया, ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आया, ठीक है। देखिए चार नंबर का क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है और चार नंबर दे के जा रहा है, ठीक है। तो बड़ा फोकस करके एग्जाम में रहिएगा तो आपको आसानी से नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब एक 2016 में दो दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन पहले हम एक को देखते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। चलिए आप भी पढ़िए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पेप्टाइड इन रामाचंद्रन प्लॉट। ओके, आपको करेक्ट ऑप्शन आपको क्या करना है, आपको पकड़ना है, ठीक है। पेप्टाइड दैट आर अनस्ट्रक्चर्ड विल ऑल द बैकबोन डाइहेड्रल एंगल इन डिसअलाउड रीजन। डिसअलाउड रीजन में कैसे हो सकता है, अब सोचिए। पेप्टाइड दैट आर अनस्ट्रक्चर्ड विल हैव ऑल बैकबोन डाइहेड्रल एंगल इन द डिसअलाउड रीजन। ऐसा नहीं हो सकता, अलाउड डिसअलाउड दोनों में होगा, है ना। इट इज नॉट पॉसिबल टू कंक्लूड वेदर ए पेप्टाइड एडप्ट ए इंटायर हेलिक्स और इंटायर बीटा प्लेटेड सीट। भैया ये भी पॉइंट गलत है, हम इसीलिए तो रामाचंद्रन प्लॉट यूज कर रहे हैं ताकि हम पता कर सकें कि हेलिक्स है कि बीटा प्लेटेड सीट है, ठीक है। इट द अक्रेंस ऑफ बीटा टर्न कन्फर्मेशन इन पेप्टाइड कैन बी डिड्यूस्ड, ऑब्वियसली बीटा टर्न हम बता सकते, ठीक है। द सिक्वेंस ऑफ पेप्टाइड कैन बी डिड्यूस्ड, भाई सिक्वेंस कैसे पता कर लोगे, वो तो एडमांड डिग्रेडेशन या सैंगर सिक्वेंसिंग के थ्रू ही आप बता सकते हो, तो सिक्वेंस आप कभी भी इससे नहीं बता सकते। तो करेक्ट ऑप्शन इज आंसर नंबर ऑप्शन नंबर थ्री। ओके, नाउ इसको ध्यान से देखिएगा और ये आपको फिर चार नंबर देके जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से आपको देखने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलिए तो पढ़ते हैं क्या कह रहा है। द फॉलोइंग आर द फोर स्टेटमेंट ऑन पेप्टाइड कन्फर्मेशन। अब पहला है क्या, ग्लाइसिन हैज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ कन्फर्मेशनली अलाउड स्पेस इन रामाचंद्रन प्लॉट फॉर साइन फाइव वैल्यू। इस पर तो भैया कोई अगर कोई कहता है बंदा कि मुझे नहीं ये आ रहा ये पॉइंट समझ में, तो मैं तो पहले डंडा मारूंगा, क्योंकि मैं अभी अभी जो अभी आपको लेक्चर लिया है तो उसमें ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चूज करना है। तो अब आपको ए कहाँ कहाँ है, ए में और सी में, तीन ऑप्शन में है ए, तो ए वाला तो सही होगा। तो पहले ही ऑप्शन इलोमिनेशन मेथड से सी और डी अभी हम काट लेते हैं, पहला पॉइंट तो ए है। अब चलिए आगे बढ़ के देखते हैं। फिर कह रहा है ए 20 रेसिड्यू पेप्टाइड दैट इज एसिटलाइटेड एट एंड टर्मिनस एंड अमिडेटेड एट सी टर्मिनस हैज फाई वैल्यू दिस एंड साई वैल्यू दिस फॉर ऑल रेसिड्यू। इट कैन कंक्लूड दैट द कन्फर्मेशन ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ पेप्टाइड इज हेलिक्स टर्न स्टैंड। सो इसको अभी हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, ठीक है, फिर बाद में इसमें डिस्कस करेंगे। सी देखते हैं। द अलाउड वैल्यू ऑफ फाई एंड साई फॉर अमीनो एसिड इन प्रोटीन आर नॉट वैलिड फॉर शॉर्ट पेप्टाइड। भाई ए पॉइंट ना भाई साहब, ये तो बहुत बड़ा वाला गलत है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे वो दो पेप्टाइड का हो चाहे चार पेप्टाइड का हो, अगर उसके बीच में डाइहेड्रल एंगल बनेंगे तो उसके लिए अलाउड और डिसअलाउड रीजन होगा। तो ये पॉइंट जो है ना बिल्कुल गलत है, तो जहाँ सी सी है ऐसे ही उड़ा दो, तो दो और चार नंबर जो है कैंसिल हो गया, इल्यूमिनेट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन, अब ए डी और अब डी पढ़ देते हैं फिर बी पे जाते हैं, ठीक है। ये पेप्टाइड एसिटाइल ग्रुप एंटर्मिनस पे जोड़ा गया 1 2 3 और यहाँ पे लास्ट में अमाइड ग्रुप ऐड किया गया, है ना। अडॉप्ट ए वेल डिफाइंड बीटा टर्न डायहेड्रल एंगल ऑफ ए एंड थ्री कैन बी डिटरमाइंड बाय टाइप ऑफ द बीटा टर्न। ऑब्वियसली दिस ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, फिर से ऑप्शन नंबर टू को पढ़ते हैं, ठीक है। ए 20 रेसिड्यू पेप्टाइड दैट इज एसिटाइलेटेड एट एन टर्मिनस एंड अमीडेटेड एट सी टर्मिनस हैज 6 ± 5 वैल्यू एंड 30 ± 5 फॉर साइड। सो डियर फ्रेंड, ये कभी भी जो आपका एंगल दे रहा है ये अल्फा एलाइसिस का आपको दे रहा है, ठीक है।
अल्फा हेलाइसिस का दे रहा है ना, अल्फा हेलाइसिस का ये वैल्यू दे रहा है, और यहाँ पे आपको कंक्लूड करके क्या कह रहा है कि हेलिक्स टर्न हेलिक्स, इसलिए ये जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। ठीक है, समझ में आया? तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए और डी। तो ऑप्शन नंबर थ्री क्या होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर थ्री क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। अब सोचिए, इतना छोटा सा चीज़ आपको चार मार्क्स देके जा रहा है, तो आप सोच सकते हो कि अगर बढ़िया से चीज़ों को बस बैठ करके समझना है और कोशिश करना है कि कहता क्या है, आंसर आपको खोजना है, इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आंसर, है ना, बट यू हैव टू फोकस, फोकस रखना होगा और देखना होगा कि क्या क्वेश्चन कहता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपको देखना है। ए राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स मेड अप ऑफ एल अमीनो एसिड हैव साई एंड फाइव एंगल 60 और इतना डिग्री रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग साई एंड फाइव वैल्यू फॉर लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स मेड अप ऑफ डी अमीनो एसिड। डी अमीनो एसिड के लिए आपको बताना है लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स का वैल्यू, मैंने बता रखा है, और अगर अगर आप इसको आंसर नहीं दिए अभी के अभी, तो समझिए वीडियो पॉज करके अभी अपने से आंसर लिख कर देखिए, अगर आपका आंसर सही है तो ठीक है भाई। ऐसे तो लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स का वैल्यू क्या होता है बताओ? ठीक है, ऑप्शन नंबर वन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर वन क्या है इसका, करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि भाई ये वैल्यू क्या था, एल फॉर्म का अमीनो एसिड का था, अब जब यह डी फॉर्म का अमीनो एसिड बनेगा तो ऑब्वियसली ये चेंज कर देगा। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए अब एक और क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकर इन फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिज बिटवीन टू सिस्टीन रेसिड्यू। अब सिस्टीन रेसिड्यू जब बनता है तो आप ध्यान से देखो, सिस्टीन में क्या होता है, नीचे एस एच ग्रुप होता है और एक दो सिस्टीन में थायल ग्रुप होगा, और दोनों से हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं ना। तो अब देखो ऑक्सीडेशन कहाँ है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फा हाइड्राइल ग्रुप जो होगा वो क्या बनाएगा, सिस्टाइन बनाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट। अब कह रहा है इन रामाचंद्रन प्लॉट द वैल्यू ऑफ डाइहाइड्रल एंगल फाइव इज ऑन द रोटेशन अराउंड। अब फाइव क्या होता है, साई के लिए क्या बोला था, सी सी, तो ऑब्वियसली सी अल्फा और एन जो होगा क्या होगा, देखो कहाँ है सी अल्फा और एन, फाइव एंगल रोटेशन अराउंड, तो सी अल्फा और एन होगा ऑप्शन, यहाँ पे ये जो है वो गलत दिया हुआ है। सी जो इन रामाचंद्रन प्लॉट द वैल्यू ऑफ डाइहाइड्रल एंगल फाई इज बेस्ड ऑन रोटेशन अराउंड, ए होगा, फाई एंगल जब भी होता है तो सी अल्फा और एन के बीच में होता है, ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो ए ऑप्शन नंबर वन क्या है इसका, करेक्ट। ठीक है, समझ में आया? चलिए तो थोड़ा एक सर्कुलर डाइक्रिज्म पे हम थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, सर्कुलर डाइक्रिज्म क्या होगा, सॉरी कि इस पर भी एक बेस्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। ठीक है, सर्कुलर डाइक्रिज्म क्या होता है कि ए अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक मेथड है, ठीक है, जो कि लेफ्ट और राइट सर्कुलर पोलराइज लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स और जो भी ये सारे मॉलिक्यूल हैं वो क्या हैं, सर हेलिक्स बनाते हैं, तो हेलिक्स का मतलब क्या हुआ, सिलेंड्रिकल टाइप बना रहे हैं, तो इसके अंदर भी तो सर्किल है ना, तो ए सर्कुलर पोलराइज लाइट जब आप डालेंगे तो ए मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसे एब्जॉर्ब करेंगे, और ऑब्जॉर्वेशन की बेसिस पे हम जो वेवलेंथ पर जो लाइट एब्जॉर्ब होगा, प्लेन पोलराइज लाइट, उसे डिटेक्ट करते हैं, और सर्कुलर डाइक्रिज्म इसी के बेसिस पे काम करता है। ठीक है, वेदर इट इज लेफ्ट और राइट, है ना, लेफ्ट हो चाहे राइट हो, प्लेन पोलराइज उसको एब्जॉर्ब करके वो बताता है कि ए कैसा है। अगर ए अल्फा हेलिक्स होगा, आप देख रहे हैं, अगर ए अल्फा हेलिक्स होगा तो कहाँ जा रहा है, अल्फा हेलिक्स है तो कहाँ जा रहा है, देखिए यहाँ से उठाइए, आप भी नीचे ड्रॉप कीजिए, देखिए कहाँ जा रहा है, 200 से 210 के बीच में। अब जब बीटा सीट कहाँ जा रहा है, यहाँ 210 से 220 के बीच में,
तो बीटा सीट जहाँ पे भी है, देखिए यहाँ पे क्या है, एंटी पैरेलल बीटा सीट, दो नंबर, दो नंबर कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। अल्फा हेलिक्स देखिए कहाँ जा रहा है, एक नंबर, एक नंबर है आपका ब्लैक, तो ब्लैक से उठा के आप डालोगे तो ये आपको यहाँ आएगा, ठीक है, आ रहा है ना। और जब जब आप रैंडम कॉइल्स की बात करोगे तो रैंडम कॉइल्स और पहले चला जाएगा, ठीक है, मैंने 200 से पहले और 200 के आसपास। तो आपको जब भी अल्फा हेलिक्स होगा या बीटा सीट होगा तो 200 के बाद ही मिलेगा, ठीक है, 200 के पहले मिलेगा तो वो क्या होगा, प्रॉपर ज्योमेट्री में नहीं होगा, ठीक है, तो वो रैंडम कॉइल हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो इसी बेसिस पर एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसको कोशिश कीजिए सोल्व करने का। सर्कुलर स्पेक्ट्रा है ना, प्रोटीन शो ए स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इलिप्सिटी बैंड एट 200 nm, 200 से ज़्यादा नहीं है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज करेक्टराइज्ड, अल्फा हेलिक्स मिलेगा, अल्फा हेलिक्स मिलेगा, पाई हेलिक्स भी अल्फा हेलिक्स के जैसा ही है, बीटा सीट भी नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा भैया, डिजॉर्डर्ड, क्योंकि उनको मिलेगा रैंडम कॉइल, ठीक है। अभी अभी मैंने बताया ना, रैंडम कॉइल यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है, समझ में आई बात। तो देखिए जो रैंडम कॉइल है वो राइट आंसर है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और ये थोड़ा सा बाद में बताएंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे पूछिएगा, ठीक है, बाय, टेक केयर।